संपूर्ण देश में कोरोना महामारी दिन ब दिन अपने पैर पसार रही है और इसे बचने के लिए लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए हिंगन घाट में एक प्राचार्य अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें भोजन करवा रहे हैं और साथ ही उनके लिए प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। महामारी जैसा भयंकर संकट पूरे देश में छाया है और महामारी तेजी से फैल रही है। इस महामारी के संकट से लॉकडाउन की स्थिति निर्माण है। लॉकडाउन में फंसे कुछ मजदूर तो कुछ ट्रक चालक अपने घर जाना चाहते हैं। कुछ मजदूर पैदल ही निकले, हजारों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कई संगठनों द्वारा भोजन कराया जा रहा है। वहीं हिंगन घाट के नेशनल हाईवे नंबर 7 से जा रहे मजदूर को भी संविधान चौक में भोजन कराया जा रहा है। एक स्कूल के प्राचार्य ने अपने सहकारियों के साथ इस कार्य का जिम्मा उठाया है। पैदल मुसाफिर के साथ ट्रक ड्राइवर को भोजन दिया जा रहा है। इस उपक्रम में उनके सहकारी मित्र, वार्ड के नागरिक, कई सामाजिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं। ये जो मजदूर यूपी, बिहार और राजस्थान के जो काम करने के लिए हैदराबाद और उसके अतराफ गए थे, लॉकडाउन वन स्टार्ट होने के बाद में उन लोगों ने, जब उनकी आजीविका का प्रश्न निर्माण हुआ, तो उन लोगों ने अपने घरों की तरफ निकलना शुरू किया। जिन लोगों के पास साधन थे वो लोग अपने कुछ साधन से गए, और लॉकडाउन जब 22 तारीख के बाद में पूरा लॉकडाउन हो गया तो उन लोगों ने अपने घर की तरफ जाने का सफ़र शुरू किया। क्योंकि हम लोग हिंगन घाट वासी हैं और हिंगन घाट में ये संविधान चौक जहाँ हाईवे से लगा हुआ है, तो हमारे कुछ मित्रों और हमारे कुछ साथियों ने ये सोचा कि भी इन लोगों को कुछ मदद करना चाहिए, तो हम लोगों ने बिस्कुट और पानी की व्यवस्था सब लोगों के आर्थिक सहयोग से की। लेकिन हम लोगों को कुछ दिन के बाद में ऐसा महसूस होने लगा कि भाई उनके पेट के लिए एक बिस्किट का पैकेट या एक दो बिस्किट का पैकेट और पानी सफिशिएंट नहीं है। ये बात हम लोग सभी समझ सकते हैं कि एक बिस्किट के पैकेट की क्या वैल्यू है एक पेट के लिए, एक भूखे आदमी के लिए। तो उसके बाद में हम लोग ये निरंतर प्रयास करते रहे कि, और बाकी हिंगन घाट के बाकी सामाजिक संगठनों ने भी मदद की इसमें। हिंगन घाट के सभी साथियों का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट योगदान रहा है, मैं किसी का स्पेशली नाम नहीं लूँगा, लेकिन सभी लोग हिंगन घाट के, सभी हिंगन घाट वासी, हिंगन घाट वासियों का उपक्रम है ये। तो उसके बाद में हम लोगों ने भोजन का कार्यक्रम शुरू किया। तो आप जानते हैं कि 14 मतलब पहला लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन में हमने जितनी मदद हो सकती लोगों की, लेकिन सेकंड जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद में एकदम भीषण, मतलब इस लड़ाई की भीषणता हमको मालूम पड़ी कि वो लोग जो सफ़र कर रहे थे अपनी ज़िंदगी के लिए सफ़र कर रहे थे, क्योंकि उनके पैरों के छाले, उनके बच्चों के जख्म, आप तो यकीन नहीं करेंगे कि मैंने वो 2 साल का एक बच्चा देखा जो सफ़र कर रहा था, अपने बाप के गोद में था, लेकिन उसके ओट से खून बह रहा था। वो खून ने इतना हमको द्रवित कर दिया, मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों को, सभी लोगों को, कि यार वो लिटरली हम लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कि फिर हम लोगों ने सोचा कि फिर क्या कर सकते हैं। तो हिंगन घाट के सभी संगठनों ने जो भी, जिससे भी हो सकता, किसी ने अनाज ला के दिया, किसी ने वो सब्जियाँ ला के दी, किसी ने अपने घरों से बना हुआ खाना ला कर दिया। एक दिन तो ऐसा आया कि हमको सुबह 8 बजे खाना खाने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, आ गए, और हमारे पास अनाज ही नहीं था। तो हम लोगों ने एरिया का जो बचा हुआ खाना था वो जमा किया और वो खिलाया। और ये प्रयास निरंतर जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इंसानियत हर एक आदमी के दिलों में जिंदा है।